आने वाले 15 जनवरी 2021 को बहादुरा ग्राम पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन बहादुरा ग्राम पंचायत के कुछ वार्ड में चुनाव अधिकारी द्वारा जारी मतदाता सूची में तकरीबन 700 लोगों के नाम दूसरे वार्ड में डाल दिए गए, जिससे नागरिकों में इस बात को लेकर रोष व्याप्त है। महाराष्ट्र सरकार ने ग्राम पंचायत चुनावों की घोषणा की है, जिसमें 15 जनवरी 2021 को खरबी बहादुरा ग्राम पंचायत का भी समावेश है। लेकिन बहादुरा ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 4 में मतदाता सूची में भारी पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है। यदि भाग क्रमांक 463 यह वार्ड क्रमांक 4 में आती है, लेकिन अधिकारियों और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से इसे वार्ड क्रमांक 2 में डाला गया, यह सरासर अन्याय है। मानव शक्ति लेआउट के स्थानीय नागरिकों ने और सामाजिक कार्यकर्ता मुश्ताक पठान ने यह यादी वार्ड क्रमांक 4 में जोड़ने की मांग की है। उस आशय का पत्र तहसीलदार टिकले व चुनाव अधिकारी बूदे को दिए जाने पर उन्होंने लेने से मना कर दिया। पश्चात इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी जिला निवर्णक अधिकारी को दी गई। सामाजिक कार्यकर्ता मुश्ताक पठान ने मांग की है कि मतदान यादी को दुरुस्ती कर वार्ड क्रमांक 4 में जोड़ा जाए और निष्पक्ष चुनाव कराए जाए, इससे उम्मीदवारों को भी परेशानियां हो सकती है। दर्शकों, इस समय में इन मिशन की टीम बहादुरा के ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बाबा ताज नगर में मौजूद है। हम आपको बताएंगे कि ये वही ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला मानवता नगर है, बाबा ताज नगर है, माँ भवानी लेआउट है, ऐसे कई लेआउट्स यहाँ पे है और तकरीबन यहाँ पे हजारों की तादाद में यहाँ की जनसंख्या है, लोग रहते हैं। लेकिन आने वाले 9 जनवरी को जिस प्रकार से बहादुरा ग्राम पंचायत का जो चुनाव होने जा रहा है, नागपुर जिले का वो चुनाव है जिसके अंदर बहादुरा ग्राम पंचायत भी आती है, और ये जो चुनाव है ये 15 जनवरी को होने जा रहे हैं। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है, क्या हुआ है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, उन लोगों के पास जा रहे हैं जो बहादुरा के नागरिक हैं। सर, ये बताइए कि क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मेरा आग्रह पर BCM ने इस एरिया में आकर विजिट दिए, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देता हूँ। दूसरा कि ये महाराष्ट्र सरकार ने जो है 15 जनवरी को इलेक्शन घोषित की है ग्राम पंचायत के, जिसके अंदर में 6 वार्ड है। 6 वार्ड के अंदर में करीब 27,000 से 30,000 मतदाता रहते हैं। हर एक वार्ड में तीन उम्मीदवार खड़े रहने वाले हैं। लेकिन इस बार में ऐसा हुआ है कि जो नई मतदाता यादी लगाई गई है वो विधानसभा के आधार पर लगाई जाती है, लेकिन कुछ स्थानीय नेताओं के और चुनाव अधिकारियों के मिलीभगत से मतदाता सूची में भारी पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है। वो गड़बड़ियां जैसे 4 नंबर के जो मतदाता है जिसमें 463 नंबर की यादी है, वो 463 नंबर की यादी वार्ड नंबर 2 के यादी में जोड़ दी गई है, जिससे मतदाता बहुत बड़े पैमाने पर भ्रमित है। वो वोटिंग कैसे करेंगे, हर एक वोटर्स के मन में ये आशंका निर्माण हुई है। हम ये चुनाव अधिकारी से ये मांग करते हैं कि समय रहते चुनाव से पहले अगर ये मतदाता सूची में अगर सुधारणा नहीं की गई तो हम यहाँ के मतदाता जो है आने वाले समय में इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, हम वोटिंग नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम 4 नंबर में रहते और 2 नंबर वालों को अगर हमने मतदान किया भी तो 2 नंबर वाले वार्ड वाले ये बोलेंगे जो चुनकर आएंगे कि तो आप हमारे एरिया में रहते नहीं तो हम आपको पहचानते नहीं, हम आपका विकास भी करेंगे नहीं। तो इस आधार पर जो है चुनाव अधिकारी योग्य निर्णय ले, जिलाधिकारी योग्य निर्णय ले और इस समस्या का समाधान करें, नहीं तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुश्ताक पठान है। मैं पिछले मुश्ताक पठान ने यह बात कही है, और भी कुछ है लोग हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि इस वार्ड में क्या क्या समस्या है? सबसे पहले सर, ये वार्ड में समस्या है पानी निकाल का वार्ड इसलिए है कि सर, सबसे पहले इधर सीवर लाइन भी नहीं है और इधर नालिकाओं की योजना नहीं है। हमने कुछ समय पहले ग्राम पंचायत सदस्य, पिछले बार मैं था वहाँ पे, हमने नगर परिषद के लिए ठहराव बनाने के लिए बोला गया कि नगर परिषद के लिए दीजिए सर, गटर लाइन सीवर लाइन का काम होगा। अब वहाँ पे उसके बाद में माननीय चंद्रशेखर बावनकुड़े साहब, वो पालक मंत्री थे, उन्होंने बोले कि अभी नहीं हो सकता है ये काम। हमने बोले नहीं सर, ये ठहराव दे के आप ये करवा सकते हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, लेकिन वो काम लेट हो गया और कोरोना का महामारी आया। हमने ठहराव बना के दिया ग्राम पंचायत से कि नगर परिषद हो जाए कि पानी का समस्या हल हो जाए,
लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है सर। पानी का बहुत समस्या है, लोग झगड़े हो रहे हैं, रोज रोड पे है, बाजू में किसी के प्लाट में है, उससे मच्छर होते हैं, बीमारियां फैलती है। सबसे पहले अपने को पानी निकालने का समस्या दूर करना है सर। यानी यहाँ पे जो है पानी की निकासी नहीं हो रही है ऐसा इनका मानना है, आप क्या कहना चाहोगे? हमारे इधर जो स्ट्रीट लाइट है वो बराबर चलती नहीं है और रात में बहुत तकलीफ होती है। रात में एकदम यहाँ कुत्ते रोड पे ऐसे घूमते रहते, बच्चे लोग आते हैं उनको काटते हैं, जो बाइक वगैरह चलाते हैं उनके ऊपर जो कुत्ते मतलब चढ़ते हैं वो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और एक्सीडेंटली केस बहुत होते हैं इधर। आप क्या कहना चाहोगे सर? रोड छोटा है उसके कारण क्या बहुत तेजी से लोग गाड़ी चलाते हैं, बाल बच्चे वगैरह खेलते रहते किसी के भी, तो एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा रहते। रोड भी चौड़ा होने को ना थोड़ा सा, और लाइट रहने के बाद में भी चालू नहीं रहते, बंद रहते लाइट, बंद रहते, चालू नहीं रहते लाइट। देश को आज़ाद हुए 73 वर्ष हो चुके हैं। देश तो आज़ाद है लेकिन देश के नागरिक क्या आज भी आज़ाद है? उनको जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलना चाहिए था वो आज भी नहीं मिल रही है, ये दुर्भाग्य इसे कहना होगा। दर्शकों मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि जिस प्रकार से ये बहादुरा की ग्राम पंचायत में जो एक मतदाता सूची को लेके जो धांधली हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, जिसके बारे में यहाँ के नागरिकों ने रोष अपना जाहिर किया है, अब देखना ये होगा क्या चुनाव अधिकारी इनके बातों के ऊपर में ध्यान दे के क्या कोई नई मतदाता सूची में जो 700 लोग जो वार्ड में जो अलग हो चुके हैं क्या उनको उन्हीं के पहले के वार्ड में उनकी मतदाता सूची में उनके नाम डलवाए जाएंगे या नहीं, अब ये देखने वाली बात है। क्योंकि घोड़ा मैदान जो नज़दीक है, 15 जनवरी बहुत नज़दीक आ गई है और अभी भी प्रशासन के पास समय है। समय के चलते अगर अच्छे कामकाज हो तो यकीनन लोकतंत्र में जीने वाले लोगों को अपने मतदान करने का पूरा पूरा हक मिल सकता है, बशर्ते प्रशासन ने कामकाज करना होगा और नागरिकों को न्याय देना होगा। बाबा ताज नगर से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।